सो वेलकम टू आवर चैनल इजी पेन टेस्टर। आई एम पार्ट नरूला एंड जो हम आज बात करने जा रहे हैं हमारे इस वीडियो के अंदर वो है विनरार का जीरो डे एक्सप्लोइट जो कि 15 अगस्त 2023 को डिस्कवर हुआ था। तो इस एक्सप्लोइट के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, मतलब इस एक्सप्लोइट का जो जीरो डे वल्नरेबिलिटी है इसका मेनली क्या होता है फोकस। आरसी लेना, इससे आप किसी भी सिस्टम की आरसी ले सकते हो, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ले सकते हो। और अभी तक ना ये पैच नहीं हुआ है, तो इसलिए हैकर्स जो है ये जीमेल के थ्रू ईमेल करके लोगों के अकाउंट्स उनके फ़ोन का या उनके सिस्टम का एक्सेस ले रहे हैं, तो आप इससे बच के रहना। तो ये जो CVE है ये है CVE 2023-388310 वल्नरेबिलिटी इन विनरार। ओके, तो आप इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हो, मैं थोड़ा नीचे करूँगा, ये यहाँ पे आप डेट वगैरह देख सकते हो इसकी। अब मेनली जो इस वल्नरेबिलिटी के बारे में हमें डिस्कस करना है वो करना है इस रेपो से, गिटहब की रेपो से। इसके अंदर हमें एक POC दे रखी है मेनली, जो कि हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको टेस्ट करा के दिखाता हूँ। सबसे पहले करना है कि आपको, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो, सब यहाँ पे डिटेल दिया, आप मुझे विजिट करना, खुद चेक करना, अच्छा सा आपको समझ आएगा। सबसे पहले आपको करना है कि इसको मेनली गिट क्लोन कर लो। तो अब अपना ये क्लोन हो रहा है एंड गाइस, क्लोन होने के बाद सिंपली इसके अंदर आपको जाना है एंड करना क्या है, लाइक मैं आपको इधर से ही समझाता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाओ। मेनली आपको जनरेट करनी है POC। POC आप दो तरीके से इसमें जनरेट कर सकते हैं। एक तो जो है सैंपल है, एक सैंपल यहाँ पे बना हुआ है, और एक जो है आप आपकी मर्जी से भी कर सकते हो। आपको मैं सबसे पहले यही वाला तरीका बता देता हूँ कि POC का आपको खुद आपको बनाना है तो आप सिंपली ये कर सकते हो। इसका मैं आपको बाद में समझाऊँगा। लाइक दो कमांड्स, या तो ये कमांड करो या ये कमांड करो, मैं ये वाली कमांड रन करूँगा। सिंपली आपको कॉपी कर लेना है और इसको आप अब इस डायरेक्टरी में आ गए थे और आप एक कंट्रोल शिफ्ट वी करके पेस्ट कर देना। तो ये कमांड करेगी, क्या पाइथन है, ये पाइथन का प्रोग्राम है तो ये रन करेगी। और जो ये फाइल है ना, ये इसको इस script.bat के साथ एम्बेड करके एक POC.RAR के अंदर बना देगी। सिंपली ये जो कमांड हमारा ये काम करेगी, तो एंटर पे क्लिक करूँगा। कहना क्या चाहता है, लाइक ये जो हमारा फाइल है इसको हम एम्बेड करेंगे हमारी स्क्रिप्ट के साथ, और ये हमारी ईवेल स्क्रिप्ट है जो कि साथ एम्बेड हो जाएगी। और जब हम इसको ओपन करेंगे फाइल को, तो हमारे जो ये स्क्रिप्ट है वो रन हो जाएगी। मैं आपको स्क्रिप्ट के अंदर दिखाता हूँ आउटपुट क्या होगा, इन दोनों को एम्बेड करके ये इसके अंदर डाल देगा और ये जो हमारा पाइथन का प्रोग्राम है ये वो काम करेगा। तो मैं स्क्रिप्ट के अंदर आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि क्या है। तो इसके अंदर हमारी स्क्रिप्ट के अंदर क्या है कि ये कैलकुलेटर जो है एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। आप यहाँ पे रिवर्स शेल डाल सकते हो, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट रिवर्स शेल के लिए। ये वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो रिवर्स शेल बनाने के लिए, और भी कोई वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। और आप यहाँ पे रिवर्स शेल डाल सकते हो, सिंपली नैनो करके आप यहाँ पे रिवर्स शेल डाल देना और रिवर्स शेल आपको मिल जाएगा, किसी सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा। मैं आपको करके नहीं दिखा सकता कि ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा। तो अब सिंपली जब मैं इस फाइल को ओपन करूँगा अपने दूसरे सिस्टम के अंदर, तो मेरा जो कैलकुलेटर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ठीक है, अब मैंने ये कमांड रन कर दी थी जैसे आप देख सकते हो, और आउटपुट फाइल ये बन के आई थी। तो अब जो आउटपुट फाइल बन के आई है, आउटपुट फाइल जो बन के आई है, अब आपको इसको टारगेट सिस्टम पे भेज देना है। मैं व्हाट्सअप से भेज रहा हूँ, आप जीमेल से किसी से भी भेज सकते हो अपने टारगेट सिस्टम पे। मैंने ये फाइल मेरे टारगेट सिस्टम पे भेज दी है, ये मेरा टारगेट सिस्टम है, ये विंडोज़ है। तो अब सिंपली मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, तो अब मैं इसको ओपन करूँगा। एंड ओपन करने के बाद आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे दो फाइल्स आई है। ये जो फाइल है ये मलिशियस फाइल है। अगर मैं इसको ये एम्बेड करा है इसके अंदर हमने स्क्रिप्ट अपनी, इसको मैं क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हो मेरा जो है कैलकुलेटर खुल गया है। तो सिंपली ये था हमारा एक्सप्लोइट, आप जैसे कि देख सकते हो। और आप चाहो तो यहाँ पे रिवर्स शेल इस वाली फाइल के अंदर भी डाल सकते हो, और आप ये वाली रेपोजिटरी आप ज़रूर विजिट करके देखना। ये सिंपली डेमो के लिए, और कस्टम के लिए आप यहाँ पे बना सकते हो। कस्टम मैं आपको समझा देता हूँ, लाइक हमने ऊपर वाले के अंदर क्या किया है, यहाँ तक सेम है ये प्रोग्राम जो है ये वाला पाइथन का, ये चीज़ बनाएगा। बैट फाइल क्या है,
आपकी जिस फाइल लाइक आपने स्टेगनोग्राफी पढ़ा है, हम किसी फाइल के अंदर इमेज हो सकती है, पीडीएफ हो सकता है, उसके अंदर हम कुछ छुपाते थे, तो ये वो वाली फाइल है जिसके अंदर आपको ये इम्बेड करना है, ठीक है, समझ गए। तो वो आप इसने जैसे कि बता रखा है कि वो पीएनजी या जेपीजी पीडीएफ ऐसे सिलेक्ट करना आप वो फाइल, तो ये वो वाली फाइल आप कोई भी सिलेक्ट कर लेना, स्क्रिप्ट का नेम डाल देना जो भी आपको उसके अंदर इम्बेड करना है, स्क्रिप्ट बैट उसके अंदर कोई भी कोड आप डाल देना, ठीक है। और उस जैसे आपको मैंने पीछे समझाया था, और फिर आउटपुट फाइल, उसका आउटपुट किस में उसको नाम से करना है, ठीक है, डॉट रार ज़रूर होना चाहिए, कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है। फिर सिंपली यहाँ पे जाना है आपको और डबल क्लिक करना है इस चीज़ पर जैसे कि हमने किया है, एंड वो आपका है एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी आपने स्क्रिप्ट डाल लिया उसके अंदर। सो गाइस, आई थिंक आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी एंड आप इसको हैंड सोन ज़रूर ट्राई करके देखना इफ़ यू वॉन्ट रियली बिकम अ पेनिट्रेशन टेस्टर और एथिकल हैकर। एंड स्टे अप टू डेट, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अप टू डेट रहने के लिए, और उस बेल आइकन को भी ज़रूर ऑल पे कर देना ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं हम ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के अंदर, टिल देन बाय।